नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं आज अमेठी की उस बदली सियासत के बारे में, जिस बदली सियासत के चलते कहीं ना कहीं अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के आते ही स्मृति ईरानी अब अमेठी से हार सकती है, यानी स्मृति ईरानी की हार कहीं ना कहीं अमेठी से तय बताई जा रही है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर स्मृति ईरानी अमेठी से हारती हैं तो क्या अमेठी से इस बार कांग्रेस जीत हासिल करके ले जा पाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि केएल शर्मा अमेठी से इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप देखें तो कांग्रेस का पूरा राजनीतिक स्तर और कांग्रेस की पूरी रणनीति कहीं ना कहीं केएल शर्मा के हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी का हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में सामने आ सकता है, और अगर ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका बनता है तो अमेठी की सीट और उत्तर प्रदेश की वो तीन सीटें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और एक तरह से देखा तो विपक्षी आलाकमान के लिए एक मुख्य सीट के तौर पर देखी जाती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अमेठी की तो सही, वायनाड की भी और रायबरेली की। जी हाँ, आपको बता दें जो तीन सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ये तीनों सीटें हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही हैं। वायनाड की बात करें और वहीं रायबरेली की बात करें तो कांग्रेस का गढ़ रही हैं ये तीनों सीटें, और वहीं बात करें अगर अमेठी की सीट की तो अमेठी पर स्मृति ईरानी के होने की वजह से हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा इन सीटों पर बना रहा है और खासतौर पर अमेठी पर बना रहा है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं ना कहीं अमेठी से स्मृति ईरानी की हार दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्मृति ईरानी अमेठी से हारती है तो क्या बीजेपी आलाकमान अमेठी में कोई एक्शन लेता दिखाई देगा, स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई एक्शन लेता दिखाई देगा, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ आप देखें एक्शन होता है तो अमेठी से बीजेपी की हार कहीं ना कहीं तय मानी जाएगी। अमेठी से बीजेपी की हार का मतलब कि आप देखें अमेठी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों से चला जाएगा, और अमेठी में स्मृति ईरानी जो अमेठी गढ़ कहलाता है स्मृति ईरानी का, वो गढ़ बीजेपी के हाथ से छीन लिया जाएगा और कांग्रेस के हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस बार देखें तो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मजबूती के स्तर पर भी चल रहा है, चाहे वायनाड की बात करें चाहे रायबरेली की बात करें। वायनाड हमेशा से आपको बता दें राहुल गांधी का गढ़ रहा है, साल 2019 में भी एक बड़े मार्जिन से राहुल गांधी वायनाड पर जीत हासिल करके लेके गए थे। वहीं रायबरेली से इस बार राहुल गांधी को उतारा गया, और आपको बता दें कि कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा जाएगा, कयास थे अमेठी से उतारा जाएगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के बदलते निर्णयों का आखिर कौन ही आज तक सामना कर पाया है और आखिर कौन ही आज तक उन निर्णयों को बदल पाया है। राहुल गांधी को वायनाड से उतारा गया, लेकिन अब अमेठी पर जिस प्रकार की असमंजस स्थिति बनी हुई है कि अमेठी से स्मृति ईरानी की हार हो सकती है, उस अमेठी से जिस अमेठी पर स्मृति ईरानी ने एक लंबे समय से अपना कब्जा जमा रखा है, साल 2014-2019 में लगातार सांसदी पर बनी रही अमेठी ईरानी, और इस बार आपको बता दें कि अगर अमेठी से कहीं अमेठी में अगर स्मृति ईरानी की हार होती है तो मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।